गणपति बप्पा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज महाराज की। ये जो ग्रुप है जयप्रकाश के वंदना, इनकी दो फिल्में मैं कर चुका हूँ, ओड लगली सासरची एंड भेट तुझी माजी। और अभी ये जो आज का पहला दिन था हमारा प्रेम संघर्ष करके नई फिल्म है, और इन पे सब फिल्मों के कैसेट के आज रिलीज था, तो मुझे लगता है एक अच्छा अवसर है और मेरी पूरी तरह से इनको शुभकामनाएं। हर एक फिल्म में कुछ ना कुछ सेंट्रल रोल अच्छा कर रहा हूँ मैं। वे तीन फिल्में तो मैं सब डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अच्छी अच्छे तीनों पॉजिटिव रोल्स हैं मेरे। हिंदी में अभी आ रहा है डेमो क्रेजी ना करके एक फिल्म आ रही है, फिर मैड करके एक फिल्म आ रही है, और एक बाहर की फिल्म हो रही है हॉलीवुड की सिंगुलरिटी, वो अभी खत्म करके आया मैं। अभी तो लॉन्च हुआ है, उस एरिया में मैंने काम नहीं किया था पहले, मगर लॉन्चिंग हुआ है। आज मेरा भी शूटिंग का पहला ही दिन है। गाने बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न म्यूजिक है, आज के लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है। हिंदी में बात करूं, हमारे दो पिक्चरों का ओड लगली सासरची और भेट तुझी माजी, इस दो पिक्चरों की हमारी खुद की कैसेट कंपनी अथर्व टेप्स एंड कैसेट कंपनी आज लॉन्च हो गई है, उसके जरिए दो पिक्चरों का गाना मार्केट में आ रहा है कल से। जो ओड लगली सासरची जो स्टोरी है वो फैमिली ड्रामा है, और भेट तुझी माजी जो कहानी है एक आर्टिस्ट के ऊपर है, एक आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल कर करके कैसा बड़ा बनता है उसके ऊपर वो कहानी है। कौन से गाने किस तरह के हैं? इस दोनों पिक्चरों के गाने जो है पुराने और आजकल के जो नौजवान है उनको दोनों को समेट के बनाए गए हैं कि दोनों को पसंद आए। ऐसा ना हो कि पुराने लोग बोले क्या गाना फालतू है और नए लोग बोले क्या यार पुराना गाना है, ऐसा नहीं किया है, दोनों का मिक्स किया है, मिक्स कॉम्बिनेशन करके एज लाइक क्लोनिंग करके अच्छा गाना पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश की है। इनके बारे में क्या बोलना, उनकी तो जो जितनी भी बातें उनके बारे में कही जाए वो कम ही है। उन्होंने आज तक हमें अच्छा सहयोग दिया और हमारे हर पिक्चर में उनका सहयोग है। आज तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने कोशिश की है बॉलीवुड को टक्कर देने की कोशिश की है, और ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती है तो बेशक ये बॉलीवुड वालों को हमारे तरफ देखने की मतलब देखने के लिए मजबूर करेगी।